वफाकी काबीना का इलेक्शन फंड्स की फराहमी का मामला पार्लियामेंट भेजने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना का इजलास। सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए मालियाती बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट को इलेक्शन अखराजात रोकने का इख्तियार नहीं। रकम आज फराहम न हुई तो ये तौहीन अदालत होगी। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सबसे पहले कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को 6 माह के लिए घर जाना पड़ेगा। इमरान खान की 121 मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी गई। लार्जर बेंच की सिफारिश। इमरान खान ने कहा कि इत्तला है कि उन्होंने ईद की छुट्टियों में ऑपरेशन प्लान किया हुआ है। मुझे खौफ है वहां खून खराबा होगा, इसलिए आपको कह रहा हूं कि पुलिस ऑपरेशन रोकें। और आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम का इंतखाब आज भी ना हो सका। असेंबली इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी। फॉरवर्ड ब्लॉक और अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार चौधरी रशीद कहते हैं ऐवान ने एतमाद का इजहार किया, तमाम सलाहियतों को बरोए कार लाऊंगा।